हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आइदर आपने डिप्लोमा किया है आइदर आपने बीटेक किया है, एएलपी की जो वैकेंसी आई है उसमें आप एलिजिबल हो, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से या बीटेक की है अपनी सिविल इंजीनियरिंग से, क्या आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं, क्या आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है नो, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं एएलपी के लिए। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया मैंने सिविल इंजीनियरिंग से किया है, लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों का एक डाउट और आता है, मतलब एक डाउट तो नहीं, एक मन में ख्याल आता है कि यार हमको ऐसे नाइंसाफी क्यों। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एसएससी जेई की वैकेंसी जो आती है उसमें मैकेनिकल, और अगर मैं सिविल की कंपेयर करूँ, अगर सिविल की 1000 वैकेंसी आती है वहीं पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 100-100 वैकेंसी आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये नाइंसाफी हो रही है कि सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं है, बेसिकली काम ही नहीं है एएलपी का उधर, जो टेक्निकल चीज़ें नहीं पढ़ते हो, जो मशीनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो एक सिविल इंजीनियर नहीं पढ़ रहा होता है, इसलिए सिविल इंजीनियर वाले इसमें ऑप्ट नहीं करे जाते हैं, सिलेक्ट नहीं किए जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि एसएससी जेई में 10:1 का रेशियो रहता है। अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसीज की, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और ये भी माइंड से चला गया होगा कि यार हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।